आज हम लोग एमिटी यूनिवर्सिटी आए हम लोग तीनों. शी इज रितिका. हेलो. शी इज चंचल. आज हम लोग हॉस्टल में जाके अपना सामान वापस. यही हमारा रास्ता है जो हम लोग रोज हॉस्टल से भाग के यहाँ से ये जो शॉर्टकट रास्ता है वो उधर जा रहा है. वहाँ से हम लोग घुसते थे क्योंकि ऊपर इस साइड ऊपर फ्लोर में हमारी रूम थी. सॉरी, हमारा लेक्चर थिएटर था एमिटी के हिसाब से, जो हम क्लासरूम ही बोलते हैं. तो ये है बैक साइड. यहाँ से हम घुसते थे दौड़ दौड़ के. इसके लिए फायदा है कि वो मिरर की तरह काम करता है. ये यहाँ पे कुछ नया लगा है, पहाड़ जैसा. देख अच्छा रहा अभी फिलहाल. आगे देखते हैं. यहाँ से हम जब लंच कर लेते थे फिर यहाँ से हम लोग अंदर घुसते थे वहां पे. ये हमारा कॉलेज के अंदर हम घुस चुके हैं जहाँ से पर रोज जाते थे ना हम लोग. यहीं से जाते थे लंच करके फिर ऊपर क्लासरूम. बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर हैं. जो कॉलेज अभी आने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो देख लो थोड़ा सा कॉलेज. ये वो कोना है. जो आने का प्लान कर रहे हैं वो देख लो ठीक है कैसा है. और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक भी करना. गुड. मुझे नहीं बोलना पड़ा. तो अब हम लोग जा रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जहाँ पे ठीक है थोड़ा दिखा. यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो जो बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं. ये इतने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं और आगे भी है. अब ये है एंड ये है मेरा, इसलिए मैं ज्यादा देर दिखा रही हूँ. ये सारे बच्चे हैं और अगर आप देख पा रहे हैं ये हम तीनों बैठे हैं एज यूजुअल साथ में. मुंह हमारे जैसे पागल टाइप दिख रहे. इतना साथ में कि स्टूडेंट्स फैकल्टी सबको हॉस्टल वालों को भाई इतने साथ में थे हम कि सबको पता था कि हम तीनों ही रहते हैं. तो ये पूरा प्लेसमेंट कॉरिडोर है. यहाँ पे जब भी प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं वहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफिस है वहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, सब बच्चे यहाँ पे बैठते हैं. आगे हमारा कैंटीन था जो पूरे रूम से भी बंद है ना, तो कैंटीन था वहाँ पे. यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वालों का एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन. यार कितना सही लग रहा है ना कॉलेज आके इतने एक साल बाद आ रहे हैं अपन इस प्लेस पे. ये एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस वही कैंपस प्लेसमेंट वाली प्लेस है. ये कितने साल बाद, कितने टाइम बाद आ रहे हैं. मार्च के बाद एकेडमिक ब्लॉक हम लोग पहली बार आ रहे हैं. मार्च 2019 के बाद आज एकेडमिक ब्लॉक में पहली बार आ रहे हैं हम लोग. हम लोग ये छोड़ कर गए थे कि 10 दिन बाद वापस आना है और वही वो 10 दिन ही एक साल तक. उस टाइम ऐसा था होली के बाद 13 मार्च होगी 31 तक कॉलेज बंद है फिर सब खुल जाएगा और वो फिर ऐसा बंद हुआ कि बंद ही हो गया. फिर लिफ्ट भी है यहाँ पे तो सीढ़ी लिफ्ट. यहाँ पे ऐसे नल है आपको जगह जगह वॉशरूम्स हैं. ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम लोग दौड़ के जाते थे ऊपर रोज. हॉस्टल में ही रहते थे तो ज़्यादा जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं होती थी. ये है सेकेंड स्टेयर्स. वो सीधा हम लोग आते साथ वॉशरूम में घुसते थे क्योंकि हमारी रितिका मैडम को तैयार होना होता. ये है हमारा MBA मीन्स मैनेजमेंट कॉरिडोर है. यहाँ पे सारे BCOM MBA ये सारी क्लासेस थी. सच में अपन कभी नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पे, इतना गंदा लग रहा है. ये जो पहली क्लास थी हमारे MBA सीनियर्स की क्लास थी एंड अब हम जो क्लास जा रहे हैं वो हमारी क्लास है. ये हमारी क्लास थी NP02. ये लेक्चर थिएटर था. यार वो जो फर्स्ट बेंच है मिडिल में वहाँ हम तीनों बैठते थे. बहुत याद आएगी यार. वो हमने मतलब वहाँ ही बैठना था. वो हम एब्सेंट भी होते थे तब भी वहाँ कोई नहीं बैठता था. ये हमारा सेकेंड डोर था. ये हमारी पूरी क्लास थी लेक्चर थिएटर. यहाँ पे
एयर कंडीशनड क्लासेस होती हैं पूरी, वो थिएटर की तरह होता है स्लाइडिंग ऊपर, ताकि लास्ट जो बैठते हैं वहाँ उनको भी बोर्ड और ये सारी चीज़ें दिखे। ये हम बैठ रहे हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, और यहाँ से पूरा हॉस्टल दिखता है, और यहाँ से ये नज़ारे भी दिखते हैं। ये नीचे वाली, नीचे जाने के लिए ऊपर यहाँ से जाने से हमारा स्टाफ रूम आता था, यहाँ से हम जाते थे अपने स्टाफ टीचर्स के लिए। और ये था वो लंबा कॉरिडोर वहाँ एंड तक, वो बहुत दूर है, बहुत लंबा है वो कॉरिडोर। ये लकीली लेक्चर थिएटर ओपन है, तो ऐसे ही क्लासेस हैं पूरे एमिटी में, सेम ऐसे ही है सारी क्लासेस, समझो कि ये हमारी ही क्लास है। तो ये जो पहले तीन थे, 1, 2, 3, ये हम तीनों के थे, हम तीनों यहीं पे बैठे थे। अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक हमने वही तीन जगह पे हम बैठे। वहाँ पे पूरा जो प्रोजेक्टर है, ऊपर का प्रोजेक्टर, वहाँ से पूरा हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो उस बोर्ड पे दिखता था, एंड हम वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बन के प्रेजेंटेशन दिया करते थे। हाँ, ये तो अब हमारे टीचर्स तो है नहीं ना, तो हम उनसे पूछते कि हम पूरे साल जब भी हम कॉलेज आते थे, हम हमेशा से फॉर्मल्स में ही आते थे, जो हमारा MBA यूनिफॉर्म था उसी में हम आते थे। तो ये पूरी क्लासेस हैं, सारे लेक्चर थिएटर्स ऐसे ही हैं एमिटी में। ये है ऑडिटोरियम जो बहुत ही सुंदर है, अंदर से बहुत सुंदर, और ये सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ कुछ हमारे टीचर्स होते तो भी हम उनसे मिल पाते। और ये है बीच का, क्या बोलते हैं यार इसको, भूल गई मैं नाम, इसको कुछ बोलते थे यार, इतना भूल गए कॉलेज आने की एरिया को हम क्या बोलते। यहाँ पे कर्टन्स लग गए, पहले यहाँ पे सिर्फ मेमोरी क्लासेस थे, यहाँ पे मेमोरीज का एक यहाँ पे इन्होंने बनाया है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या, ये बहुत सही है, कुछ तो लिखेंगे यार कुछ तो। ये दो मेन रीजन थे हमारे कि हम पूरा हफ्ता फॉर्मल्स पहनते थे, सिर्फ सैटरडे को एक आध दिन अगर ऐसा लग गया कि चलो पहना जा सकता है, तो हम उस टाइम पे कैजुअल पहन के आते। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम फेवरेट थे, हम कॉलेज में थे ऐसे, बट बाहर तो फिर क्या ही बोला जाए। सुवर्ण अक्षरों में हम अपने नाम लिखने जा रहे हैं, और तो यहाँ पे लिखा जा रहा है बैठी थे ठीक है, कंफर्टेबल फीलिंग होता था। जब भी हम लोग कहीं भी टीचर से मिलने जाते थे, अगर हम तीनों में से सिर्फ कोई दो है तो अरे तीसरी कहाँ गई, तुम साथ में नहीं हो, मतलब सारी फैकल्टी जितने भी 10-15 फैकल्टीज थे हमारे MBA BCOM बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए, MIT बिजनेस स्कूल के, सबको पता था कि हम तीन पूरा टाइम साथ में रहते, क्योंकि हॉस्टल में साथ में रहते थे और अकेडमी ब्लॉक में भी साथ में रहते थे। तो इन दोनों पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार, मैं भी लिखूंगी तो हम लोग ये कन्फेस करने के, जितना भी हम लोग का जो भी था कॉलेज, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जैसे हम लोग ने लिखा है कि वी विल मिस यू एमिटी टीचर्स, हॉस्टल और फ्रेंड्स, जितने भी हमारे क्लासमेट्स भी थे जिनसे हमारी रोज़ बातें नहीं भी होती थी,
फिर भी एक रिलेशन तो बन ही जाता है ना। सबको सबको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा याद आएगा, बहुत अपनी मेमोरीज हैं। मैं तो और बहुत पहले से पढ़ रही हूँ तो मेरी तो और मेमोरीज हैं यहाँ पे। तो ये तो बी कॉम से, हम लोग तो सिर्फ MBA से आए हैं, बी कॉम से, मतलब 3 साल और 2 साल में 5 साल MD के, रितिका के हैं हम लोग 2 साल से MBA में। बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और ये ऊपर का कॉरिडोर था, यहाँ से हम लोग रोज जाते थे वहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कि हम लोग हर चीज़ याद भी नहीं कर सकते, बट ऐसा है कि पूरी मेमोरीज हम लोग के हैं। कॉलेज कितना भी हो, कैसा भी हो, अगर मतलब जितना हम जो होते थे ना सैटरडे संडे के लिए कि यार सैटरडे संडे छुट्टी है, जाना नहीं है, बट अब उतना ही याद आएगा कि यार अब कॉलेज जाना ही नहीं है। वही वही, कॉलेज जाना ही नहीं है अब। ऐसा है कि अब जॉब है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कॉलेज ख़त्म, अब उस टाइम पे क्या रिलैक्स मोड पे होते हैं हम लोग कि छुट्टी है सैटरडे संडे। फ्राइडे नाइट हम लोग का मूवी नाइट होता था हॉस्टल में, क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है। बट जब से वो चालू हो जाता है ना जॉब, स्ट्रगलिंग लाइफ, उसके बाद ये सारा आराम छूमंतर हो जाता है। जब भी हम लोग लेट हुआ करते थे, हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारा क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर देते थे, तो हम लोग यहाँ पे वेट करते थे नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि जैसे ही पहले लेक्चर वाले टीचर्स जाएँ हम लोग भगकर क्लास करें। यहाँ से आप लोगों को हमेशा हवन देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ नीचे जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं, यहाँ नीचे जो पूरा दिख रहा है वहाँ पे हवन वगैरह होता है। पूरा धार्मिक कॉलेज है, सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छे से मनाए जाते हैं, होली हो गया, जन्माष्टमी हो गया। मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं एक एक करके शेयर भी करूँगी वो सारी चीज़ें। जब हम थे हॉस्टल में तब कैसे सेलिब्रेट होता था, मटकी फोड़ होता है, और जब हम लोग थे तब तो गर्ल्स की टीम ने भी मटकी फोड़ की थी, जीती भी थी। हॉस्टल लाइफ बहुत सही है, कॉलेज लाइफ भी सही है, रिस्ट्रिक्शन है थोड़े, रिस्ट्रिक्शन है बट ठीक है, वही कहीं ना कहीं। फोर्थ फ्लोर हम लोग जाने वाले थे अभी, बट क्या है कि अभी इतना ऊपर है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मार्कशीट डिग्री लेने आएंगे तब वो जो लाइब्रेरी कार्ड वगैरह होता है वो सारी चीज़ें हम लोग को सबमिट करनी ही है, तो तब हम लाइब्रेरी दिखाएंगे। बट क्या है ना अभी बहुत दूर है, एकदम थक गए, अब ऊपर नहीं जाने की हिम्मत बची, क्योंकि वो लंबा जो है ना अपना रास्ता वो भी चल के जाना है। यही जो अभी दिखाया मैंने ऊपर से दिखता है ये चीज़ें, यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफिस है, यही वो रास्ता जहाँ से हम लोग भाग भाग के आते थे। ये सेमिनार हॉल है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। ये वाइस चांसलर्स, वाइस चांसलर्स ऑफिस, अभी तो बस सुनसान है कॉलेज, बट जब पूरा जब फिर से स्टार्ट हो जाएगा पहले जैसे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख ही नहीं रहा यार, इतना अंधेरा है। आप अंदर का देख लो, ये देखो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। मैकेनिकल इंजीनियर जो इंजीनियरिंग जिसमें जाना चाहते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ऊपर जो लाइब्रेरी मैं बोल रही थी कि जहाँ बहुत ऊपर हो गया, वो वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम चले अब वापस रिटर्न टिकट काट के। आपको अगर आवाज़ आ रही होगी तो पता नहीं, बस बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, 24 घंटा ऐसी ही हवा चलती है, 24 घंटा। इतना सुंदर एनवायरनमेंट है ना कि आए हैं वीडियो बनाना है, इसलिए सिर्फ बोलने का बात नहीं, पर सच में बहुत बहुत करेंगे। मतलब यहाँ पे इतना माहौल शांत है कि चिड़िया की आवाज़, यहाँ पे डॉगीज भी घूमते हैं, बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, एकदम नेचुरल, जिसको रहना पसंद है ना खुली हवा में, एकदम बहुत सुंदर हर चीज़। मतलब जो कॉरिडोर जहाँ से हम लोग चल रहे हैं, जाते जाते पूरा डिस्कशन चलता था हम लोग का गहन। और एक और चीज़ याद, जो भी हम लोग नई चीज़ें डिस्कवर करते थे कि ऐसा भी कर सकते हैं वैसा, यो यही इसी पाथ पे होता था सब। हाँ, सब हम तीनों का हमने नाम रखा था 3 J's, वो भी इसी पाथ पर चलते चलते डिसाइड हुआ था। ये जो हरकत इनने करी अभी, हम लोग जब भी शाम को रात को घूमने निकलते थे खाने के बाद, तो हम लोग सिर्फ नाम के सीनियर्स थे, हरकतें हमारी जूनियर्स जैसी थी, जूनियर्स जैसी थी। हाँ, मतलब जूनियर्स जैसे भी नहीं थी हमारी हरकतें, क्योंकि जूनियर्स भी वो मस्ती नहीं करते थे जो उनको करनी चाहिए उस एज में। हम लोग को देख के कोई बोलता ही नहीं कि हम लोग MBA के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग ने पूरी लाइफ एंजॉय की है। कोई सोफिस्टिकेटेडनेस हमने अपनी हॉस्टल लाइफ में बिल्कुल नहीं रखा, उतने सोफिस्टिकेटेड हम कॉलेज लाइफ में थे, सो बैलेंस्ड थे इन शॉर्ट। तो ये साइड व्यू है कॉलेज का, लंबा रास्ता, ये लंबा रास्ता फिर तय करके चल के जाए। जब हम लोग घर जाते थे याद है, इतना भारी भारी सामान रहता था, टेंशन आ जाता था भाई कैसे चल के जाएंगे इतना दूर, बट ठीक है
यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं अंबुजा मॉल जाने का। हाँ वहाँ से अंबुजा मॉल थके हैं बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक है, चल रही है पर धूप है यार, हर ऑलमोस्ट हर टाइम ऐसे ही हवा चलती है ऐसे ही। अब वी आर वेटिंग फॉर द बस। जब भी हम लोग हॉस्टल से वापस जाते थे तो हम लोग ऐसे ही यहाँ बाहर डायरेक्ट बस मिलती है। और हाँ, जैसे मैंने बताया था कि आपको पंडी से डायरेक्ट एमिटी के लिए बस मिलती है, तो आप एमिटी के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट आपको डायरेक्ट यहाँ से पंडरी के लिए बस मिल जाती है। ठीक है, तो ये लंबा रास्ता है जो उधर साइड जाता है रायपुर, मतलब उधर साइड रायपुर। अब हम लोग जा रहे हैं, बाय एमिटी। अब सिर्फ मार्कशीट लेने आएंगे, उसके बाद डिग्री खत्म, फिर उसके बाद फिर आएंगे। कब आएंगे? 25 साल बाद। उसके बाद देखते हैं कब होता है, उसके बाद जब भी आना हो पाए। और ये हमारी डाकू आतंकवादी टाइप बन के खड़ी है यहाँ से आती है बस उधर साइड से, खरोरा है उधर, वहाँ से बस आएगी डायरेक्ट कॉलेज के सामने, आपको बस मिलेगी, फिर हम जाएंगे उधर रायपुर। चलो बाय। और लास्ट में हाँ, कैसा आपको लगा वीडियो आप मुझे शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जैसे उसने बोला ही था, तो अब लाइक शेयर फिर चालू हो गई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं, फिर आपको दूसरा ब्लॉग दिखाएंगे। यस, ये होता है MBA स्टूडेंट। गुड बाय 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 बोल दे डाकू।